हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय हल चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस गाइस एज यू नो कि एम एस ट्वेंटी एक्साम के बहुत कम टाइम रह गया है तो उसके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जो कि कंप्लीटली फ्री होगा और इसकी क्लासेस जो है यूपे पे अपलोड होती रहेंगी ठीक है और ये फुल सिलेबस वन मंथ में है ठीक है हमने वन मार्स से पहले वीडियो डाली स्टार्ट कर दी थी मतलब एक एक दिन में एक वीडियो हम अपलोड करते हैं एक वीडियो में मिनिमम आपके हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं ठीक है और मैक्सिमम टू हंड्रेड होते हैं जैसे कि हमने करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया जिसमें हमने ट्रेड मोस्ट इटेंटेंटेंटेंटेंट क्वेश्चन देखे थे जो कि ट्वेंटी ट्वीट वन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले ठीक है फिर हमने क्या देखा कि हमने इंडियन पॉलिटी इन 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 कॉलेटी जो कि मोस्ट इंपॉर्ट है ठीक है इस बाहर इंडियन पॉलिटी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है अगर आपको इस लाइट कोर्स से जुड़ना है तो आप लोगों को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एमएनएस ट्वेंटी ट्वेंटी

ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ठीक है ग्रुप भी है तो बस यही था अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट एम टी ट्वेंटी का करंट अफेयर का जो कि जिसमें हम नेक्स्ट नेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट कौन है दट इज फोर्थ ऑप्शन अनिल जैन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एवरी इयर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे क्या जाता है फाइव नवंबर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन हैज़ स्टाइड टू ने इंस्टीट्यूट द इंटीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड आई डी का नाम बदलने का फैसला किया गया है तो किसके नाम पर रखने का यह निर्णय किया गया दैट इ मनोहर पारिक बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इमर्थ वट इज ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विच विल बी लॉन्च बी एस ऑन नवंबर सेवन फ्रॉम पी एस रॉकेट पी एस रॉकेट से सात नवंबर को आएसआर ने कौन सीटाइट को लॉन्च किया है दट इओ एस जीरो वन इज द कर आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान

कंट्री लॉन्च एग्रोटा किस कंट्री uh, ने एग्रोटा नाम की टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करती है ठीक है एग्रीकल्चर के लिए ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च करती है मतलब ई मार्केट प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करती है तो वो कौन सी सिटी है दट इज यू एंड ऑप्शन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इथीम ऑफ वर्ड सर डे वर्ल्ड सर्वेस डी ट्वेंटी की थीम क्या थीट इज फोर्थ ऑप्शन इनफॉर्म थीम ऑफ वर्ल्ड सराइस डी 2020 नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीटागर वैगन कंट्री है ठीक है टीटागर टी वैगन में एक सिर्फ एक ही कंपनी है एक ही प्राइवेट फर्म है जो कि बिल्ड और डिलीवर करती है आपकी रिसर्च शिप को अभी उन्होंने हाल ही में सेकंड रिसर्च शिप डेवलप की है उसका नाम क्या है दैट इज सागर अवंशिका सागर अवंशिका दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कौन सी स्कीम है जिसने अभी सात नवंबर दो हज़ार बीस को अपने पांच साल पूरे किए हैं सो द स्कीम इज वन रैंक वन पेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन फोर्टी एथ एनुअल सॉरी किसने अभी हाल ही में फोर्टी एट एनवल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट के ऑनलाइन मोड में बहुत हो जीता है इज फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज का करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मारो सैम्स मार्लॉन सेम से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है दैट इज क्रिकेट थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड पोटुगल इंडियन पोर्टुगल विल डेवलप नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एन एम एच सच सी ये कहाँ बनाया है दट इज बी ऑप्शन लोथल में बनाया लोथल लौथता है गुजरात में सो so, आपको ये पता होगा ये इंडस वैली का पोर्ट भी हुआ करता है तो ये हम स्ट्री में डिस्कस करेंगे तो so, अभी एन एम एच सी कहाँ डेवलप किया गया है लोथल में तो लोहा है गुजरात में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर बी एस येपा येदी यूरपा ने एक ट्रेन फ्लैग ऑफ किया ट्रेन का नाम है रोल ऑन रोल ऑफ आर ओ आर ओ ट्रेन ये ट्रेन बेंगलुरु को कनेक्ट करेगी किस सिटी से दैट इज इज सोलापुर फोर्थ ऑप्शन द करेक्ट आंसर सोलापुर आपका महाराष्ट्र में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉज ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द थर्ड इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन आई आई एफ बी ट्वेंटी ट्वेंटी अवार्ड किसको मिला है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर ओमपुरी जी को ये अवार्ड मिला है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे आते हैं है हमें थीम बतानी है बायो एशिया ट्वेंटी ट्वेंटी की जो कि आपका हैदराबाद में हुआ था इसकी थीम क्या थी टुडे फॉर टोारो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ऐसे भी पूछ सकता है कि बायो एशिया ट्वेंटी जो आपका फॉर्म है वो कहाँ हेल्ड हुआ था दैट इज हैदराबाद में हेल्ड है हुआ था इसकी थीम है टुडे फॉर फोमो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन वॉज इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी ट्वेंटी ट्वेंटी ऑब्जर्व ये इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी ट्वेंटी कब ऑब्जर्व किया गया दट इज एट नवंबर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है

तेजपुर लीची किस स्टेट की है जिसको जीआई टैग मिला है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि जीआई टैग जो 2020 है वो याद कर लेना उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी सेपरेट उसको देख लेना उसमें मैं सारे जो आपकी जीआई टैग है वो कवर करा दूंगी बाकी आप और जगह से भी कर सकते हो इतनी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन करके जाना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एम में सो जो आपकी तेजपुर लीची है वो आस की है जिसको जी टैग मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सी बी आई हैज कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट का डेवलपमेंट कमेटी म्यूंसिपल बॉन्ड डेवलपमेंट कमेटी बनाई है एसी बी ने जिसको हेड कौन करेगा इसको हेड कौन करेगा सुजीत प्रसाद ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्सेन ओटारा अलसेन ओटारा ने अलसेन ओटारा हैज वोन द प्रेजिडेंटल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम तीसरी बार इन्होंने प्रेजिडेंटल इलेक्शन जीता है किसने अल्सेन ओटारा ने ये किस कंट्री के हैं ईवरी कॉस्ट फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री वर डिक्लेयर ज्वाइंट विनर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ऑनलाइन एफ आई डी ई चेस ओलपियाड ऑनलाइन एफ आई डी ई चेस ओल्पियाड ट्वेंटी ट्वेंटी के विनर कौन है जो कि इंडिया और किस कंट्री ने जो है डिक्लेयर किए सो so, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन रशिया और इंडिया ने मिलकर डिक्लेयर करें ट्वेंटी ट्वेंटी ऑनलाइन एफ आई डी ई चेस ओलंपियाड के विनर्स को नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफ द्वेंटी सिक्स बाईनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम ने कोप ट्वेंटी का प्रेडेंट किसे अपॉइंट किया है दैट इज आलोक शर्मा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें आपको पजल होते हैं उनमें बहुत ज्यादा तो अपॉइंट वाले जो क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ के जाना नेक्स्ट क्वेश्चन इज नूर इनायत खान हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑरिजन वुमन टू ऑनर्ड विद ब्लू फ्लैग विच कंट्री नूर इनायत खान है पहली भारतीय महिला बनी है ठीक है जिनको ब्लू प्लैग मिला है ठीक है ये किस कंट्री में मिला इनको ठीक है सो so, ये आपका मिला है इनको यूके यूनाइटेड किंगडम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैजिन डिक्लेयर ट्वेल्थ बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया ये प्रीवियस वीडियो में करा दिया है क्वेश्चन मैंने आपको बोला था अड्डू अटोल अड्डू अटोल वाला जो है उसके साथ उस क्वेश्चन के साथ मैंने क्वेश्चन करा दिया था कि पन्ना टाइगर रिजर्व को भी बायोसवेयर बायो रिजर्व में शामिल कर लिया गया है ठीक है सो so, ये एम में है ध्यान रखना फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट है क्ष या वृक्षारोपण ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है ये जो मिशन है ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था दैट इज यूपी यूपी ने इसको लॉन्च किया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसका रीजन ये है कि आपको डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन भी अच्छे से याद होने चाहिए ठीक है मतलब आपको ऑप्शन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है आप अगर ऑप्शन गिवन है तो मतलब उससे आपके क्या कनी चाहिए क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़नी चाहिए आपको uh, मतलब ऑप्शन होते हैं तो हमारे माइंड में ये नहीं कि ऑप्शन देख के आंसर आए क्वेश्चन को पढ़ो माइंड में आंसर आ गया फिर ऑप्शन देखो कि कौन सा ऑप्शन है ऐसे ऐसा टिका ऐसे नहीं है कि आप पहले ऑप्शन देख रहे हो फिर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर ऑप्शन देख रहे हो इससे आप कंजूज हो जाओगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है अभी इस जो एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है दैट इज अ गुड थिंग पर फिर भी हमें थोड़ा अलर्ट रहना है हर एक क्वेश्चन को करते टाइम ठीक है अगर आप क्वेश्चन को पहले पढ़ रहे हो तो माइंड में उसका आंसर सोचे पर ऑप्शन डायरेक्ट मत देखना ठीक है पहले माइंड में उसका आंसर सोचना देखो ये ऑप्शन में है या नहीं कौन सा ऑप्शन है तो टिक करो और अगर आपने पहले ऑप्शन देखे हैं तो आपका माइंड क्वेश्चन में पजल पजल सा हो जाएगा फिर ठीक है तो ऐसा नहीं करना है तो हम यहाँ में वन लाइन क्वेश्चन भी डाल रही दूं ताकि आपका थोड़ा माइंड है वो इसी तरह से सेटअप हो जाए ठीक तो है तो स्टडी स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या हुआ चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है सुखबीर सिंह सुखबीर

सोर्सेज मेड असेसेबल फॉर डेली लेड अब ऑब्वियसली डेली आ जाती तो है डेली गवर्नमेंट ही इसको क्या करेगी लॉन्च करेगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डेली ठीक है डेली नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आई हैज टी है वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम नेम्ड एज मोबाइल मास्टर जी ये एक वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम है जिसका क्या नाम है मोबाइल मास्टर जी ये किस आई ने डेवलप किया ये किया है आपका आई कानपुर आई कानपुर ने यहाँ पर डेवलप किया वेरी वेरी इंपॉर्टेंटें क्वेश्चन है ये वनलाइन आपको ध्यान रखने सारे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मिनिस्ट्री सॉरी विच मिनिस्ट्री हैज लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर संस्कृत सद्भाव मंडप मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर ये जो मंडप uh, है ये जो प्रोग्राम है इसकी फाउंडेशन स्टोन किस मिनिस्ट्री ने रखी है ऑब्वियसली ये जो है माइनॉरिटी uh, मिनिस्ट्री के इसकी फाउंडेशन रखी है माइनॉरिटी माइोरिटी जो है उसने इसकी फाउंडेशन रखी है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे मैं बार बार बोल रही हूँ आपको ऐसा नहीं है समझो कि ये क्वेश्चन मैं ऐसे करा रही हूँ बस सारे क्वेश्चन अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है तो सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से करने ठीक है इनके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है आप सोच रहे हो कि मैं ये चैनल भी कर करूँ वो भी कर करूँ चाहे किसी चीज़ से भी करो एक चीज काफी होती है आप बहुत सारे सोर्सेस किसी चीज़ के लिए यूज करते हो वो थोड़ा प्रॉब्लम देता है फिर आगे ठीक है तो आपको लिमिटेड पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है लिमिटेड याद करोगे तो वो सही रहेगा ठीक है उसी से बहुत सारा आ जाएगा अगर बहुत सारी चीजें करोगे तो कुछ याद ही रहेगा एग्जाम के टाइम पे मैं बार बार बोल रही बोलिए एग्जाम का एक महीना मान के चलो एक महीना रहता है सिर्फ मार्च मार्च ऐसा सोचो कि मई के फर्स्ट वीक में होगा अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा ठीक है डेफिनेट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंडियन ऑरिजिन पॉलिटिशियन हैज बीन अपॉइंटेड एज यू केज न्यू फाइनेंस मिनिस्टर यूके का फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना है जो कि क्या था पहले इंडिया का पोलिटिशियन रहा है ठीक है तो उसका आंसर हो जाएगा ऋषि सुनक ऋषि जो है ऋषि सुनक जो है वो अभी अपॉइंट हुए हैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन यूके यूनाइटेड किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्री हैज इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी विद इंडिया किस देश ने भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी शुरू की है दैट इज जर्मनी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर जर्मनी ने इंडिया के साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है स्टार्ट की है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वोटर रिस्क फिल्टर यहाँ एविएशन भी आ रही हैं यही एवियेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखो हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज आपको ध्यान रखनी है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ है DRDO है ठीक है ये मैं आपको अलग से एवियेशन नहीं करवाऊंगी यही सारी एविएशन आ रही हैं ठीक है थीके? तो ध्यान से पढ़ना नासा है नासा की एविजन मैंने पिछली वीडियो में बता दी आपको डीआरडीओ की भी मैंने बता दी है ठीक तो है तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं और करंट अफेयर तो है ही आप इंपॉर्टेंट तो जीके का पोर्शन आपको अच्छे से करना है फिफ्टी आउट ऑफ फोर्टी फाइव प्लस का टारगेट रखोगे जब तक सिलेक्शन होगा क्योंकि जीके ही आपका जो है सिलेक्शन फैक्टर होता है अगर इसमें नहीं हुआ और अगर बाकी इंग्लिश और साइंस में आपने हंड्रेड मार्क्स भी ले लिए तो कोई मैटर नहीं करता आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो अच्छे से ठीक है चलिए नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है uh, ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वाटर रिस्क फिल्टर हाउ मेनी इंडिया इंडियन सिटी विल फेस वाटर रिस्क बाय टू थाउजेंड फिफ्टी दो हजार ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा डब्लू डब्ल्यू एफ है उसने रिसर्च की है उसने देखा है कि दो हजार पचास तक इंडिया के कितने शहरों में जल की आपदा आ सकती है जल की कमी हो सकती है तो ये आपका टोटल थर्टी सिटीज में ऐसा हो सकता है टू थाउजेंड फिफ्टी तक दो हजार पचास तक पानी की कमी हो सकती है पानी के लिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज प्रेजेंटेड प्रेजिडेंट्स कलर टू विच इंडियन नेवी शिप क्वेश्चन क्या बोल रहा है राष्ट्रपति राश्टु, रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय नौसेना के जहाज को राष्ट्रपति रंग प्रदान किया है तो ये आपका किया है आई 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 एन एस एस आई एन एस शिवाजी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टें क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस टू सेलिब्रेट सितंबर 2020 एज अ मंथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बोला है कि सितंबर 2020 के महीने को हम किस तरह सेलिब्रेट करेंगे ये होगा आपका पोषण माह बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर पोषण माह के रूप में हम सितंबर 2020 के मंथ को जो है सेलिब्रेट करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विस्ट स्टेट हैज द अंगन अंगन फॉर हब्बा प्रोग्राम ंगनफो हबा प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च किया? किया था मणिपुर ने ठीक है मणिपुर ने आपका किया था और ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा और ये किस चीज के लिए के, के, के लिए किया था पैड़ी फील्ड्स जो क्रॉप होती है चावल की जो खेती होती है धान की जो खेती होती है हमारा अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टर्ड ऑन स्टेट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ट्वेंटी कब मनाया जाता है ट्वेंटी नाइन ऑफ अगस्त को मनाया गया ठीक है प्रवासी भारतीय केंद्र हैज बीन आफ्टर विच लेट यूनियन मिनिस्टर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर बदल दिया गया है वो किस यूनियन मिनिस्टर के ऊपर रखा है दैट इज बी सुषमा स्वराज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्री इज पान टू होस्ट द ब्रिक्स गेम इन 2021 कौन सी कंट्री में ब्रिक्स गेम्स होंगे 2021 वाले तो ये आपके होंगे इंडिया के अंदर थर्ड ऑशन करेक्ट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इस सीरीज इंपॉर्टेंट ही होंगे ठीक है ऐसे नहीं है कि कोई भी मैंने फाल तो क्वेश्चन ठाक्य क्या 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 है सारी क्वेश्चन अपने आप में अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंटें हैं ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन को ऐसा सोचे करना कि एज्जाम के क्वेश्चन आएगा ओके और हाँ एक और बात में जो अपनी वीडियो है इनको वन पॉइंट फाइव की स्पीड पर अपलोड करती हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगे दोस्तों क्वेश्चन आप फिफ्ट मिनट में कवर कर रहे हो इससे बात और क्या ही हो सकती है ना तो इस वीडियो को अगर आप दो बार देखोगे देखोगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में से भूज जाएंगे और आपको याद रहेंगे ठीक है उसके बाद आप टेलीग्राम पर इनको खुद करके देखेगा करंट अफेयर जीके से बाहर यहां से कुछ नहीं आएगा ये मैं बता देती हूँ आपको ठीक है आपका जब एग्जाम होगा तो मैं आपसे पूछूंगी क्या क्या क्वेश्चन आए थे आप मुझे कमेंट में बताना फिर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कि हाँ देखो मेरे मैंने क्वेश्चन कराया था ठीक है चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ एज बी अंज चेयर मैनेज डायरेक्टर सीएम डी ऑफ द पवन हंस पवन हंस का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना गया ये आपका चुना गया है सॉरी संजीव राजन संजीव राजन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर संजीव राजन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बुक ये लॉन्च लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज़ ये बुक किसने लॉन्च करी है सो so, ये आपके लॉन्च ने UNEP ने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने बुक लॉन्च किया लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी अगेन है ध्यान रखना है ऑफ द कन्वेक्शन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इन एनिमल सिटी क्या बोल रहा है कि आपका थर्टीथ कॉन्फ्रेंस थर्टीथ सी ओपी होने वाला है जो की सीएम कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल पे है ये किस सिटी में होगा ये आपका कहां पर होगा ये आपका गांधी नगर में होगा दैट इज ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर गांधी नगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एंबेडर ऑफ हेल्थ केयर कम डॉक्टर ट्रस्ट डॉक्टर ट्रस्ट एक कपनी है ठीक है हेल्थ केयर की इसका ब्रांड एंबेडर किसी चूज किया गया है दट इज रोहित शर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंटें क्वेश्चन ध्यान रखना आप ये भी uh, थोड़ा इंपॉर्टेंटें क्वेश्चन है मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप ब्रांड एम्बेडर यादव को ट्वेंटी ट्वेंटी वाले जो कि फेमस पर्सनैटीजी है वही यादव को ठीक है इसमें वीडियो अपलोड करूंगी इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वजह से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगस्त ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी माक द थ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट मदर टेरिसा शी वॉज बॉन विरी सिंपल सी बात है क्या पूछ रहा है इसमें दो क्वेश्चन आपके हो हैं कि हमने अगली बार जो मदर uh, टेरसा की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी वो कौन सी थी दैट इज सौ दसवीं बर्थ एनिवर्सरी थी आपकी ठीक है कब सेलिब्रेट की गई यानी कि यह क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि मदर टेरसा का बर्थ क्या है दट इज ट्वेंटी सिक्स अगस्त इसके लिए हमने की एनवर्सरी बनाते हैं सिक्स अगस्त ठीक है मदर टेरिशा कहां से बिलोंग करती है स्कॉपजे स्कॉप से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर तो ये, ऐसे इस क्वेश्चन में आपके तीन चार क्वेश्चन हो गए ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंटेंटेंट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द बुक नाइट ऑफ द स्पिरिट फ्रॉम 1984 ये एक बुक है नाइट ऑफ द स्पिरिट स्टोरी फ्रॉम ये बुक किसने लिखी है ये आपकी लिखी है सर्वप्रीत सिंह सेकंड ऑप्शन द करेक्ट आंसर सिंह ने लिखी है बुक एंड ऑथर पे एवरीबॉडी नो क्वेश्चन आता ही आता है थीम पे आता है डे पे आता है याद रखना इनको बार बार बोल रही क्वेश्चन ने उत्तर प्रदेश है फर्स्ट स्टेट वेयर व्हिच कंपनी हैज वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए को एक कंपनी ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम दैट इज वी थिंक डिजिटल कहां पर उत्तर प्रदेश में किसने किस कंपनी ने लॉन्च किया दैट इज फेसबुक ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहां पे भी देखो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया किस कंपनी ने किया किसके लिए किया ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारी चीजों को देख के चला करो नेक्स्ट क्वेश्चन द 74th नागा इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड एंड पार्ट ऑफ मणिपुर ऑन व्हिच डेट

डेवलप्ट बाय इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी ने एक गन शोट लोकेटर बनाया है वर्ल्ड का चीपेस्ट है वो उसका नाम क्या है दट इज पथ व ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सॉरी पार्थ पार्थ नोट पथ दैट इज पार्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं ही कंफ्यूज होगी इसमें तो पार्थ है ठीक है नोट पथ पार्थ इज द वर्ल्ड चीपेस्ट गन शोट लोकेटर डेवलप बाई इंडियन आर्मी ओके बप्श सॉरी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स राइस रिसर्च सेंटर हैज कम अप विद अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस कॉल्ड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट राइस रिसर्च सेंटर ने एक नई वैरायटी बनाई है राइस की दैट कॉल्ड मुक्तोश्री डी ऑप्शन इज इज द करेक्ट आंसर मुक्तोश्री वो राइस की वैरायटी है जो अभी अभी बनाई गई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट राइस रिसर्च सेंटर के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हुई राइजिंग स्टार ऑफ द ईर इयर का ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन का एफ आई एच वुमेन्स राइजिंग स्टार ये किसे बोला गया है ये जो आ, ये जो टाइटल है किसे दिया गया है ये आपका दिया गया है लाल रेमी यासमी लाल लाल रेमी यामी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैनियल नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैनियल मैनिकर डेल मैनिकर पास रिसेंटली वॉज रिन ये एक ऑथर थे ठीक है न्यूयॉर्क के ऑथर थे ये बहुत फेमस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना डैनियल मैनिकल एक ऑथर थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटर हैज डिसाइडेड टू हैम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एन आई एफ एम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम बदल के रख दिया गया है फरीदाबाद आफ्टर आफ्रीदा ने विश्व इसका नाम बदल के रख दिया गया है किस पॉलिटिशियन के नाम पे रखा गया है ये बताना है हमने ये आपका रखा गया है अरुण जेटली के नाम पर दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट टायर पार्क इंडिया का पहला टायर पार्क आप देख रहे हो यहाँ पे भी टायर पार्क बना हुआ है ये किस स्टेट के अंदर बना है यह आपका बना है वेस्ट बंगाल दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो अंग्लोइंग द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप इन पुणे नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप पुणे के अंदर किसने जीती है ये जीती है आदित्य मेहता दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज आपका टेकिंग चार्ज चेयरमैन ऑफ कर देखो आईसीसी का अभी आपको चेयरमैन ने ध्यान रखना चेयरमैन लास्ट ईयर के हैं ठीक है दैट इज आपके कौन है इमरान ठीक है इमरान कुएजा और आईसी सी आपको जो याद रखनी है वो प्रेसिडेंट है ठीक है प्रेसिडेंट आपको ध्यान रखना है प्रेजिडेंट अभी कौन है आपके प्रेसिडेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है ये क्वेश्चन ग्रैक बैरकल ठीक है ग्रैक बैरिकल तो आपको आईसीसी के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हुए हैज बीन अमंग द 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनर्ड बाय द कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ द न्यूयॉर्क क्या बोल रहा है न्यूयॉर्की कालिनी कॉर्पोरेशन के द्वारा ट्वेंटी ट्वेंटी ग्रेट इमिग्रेंट के रूप में किसे सम्मानित किया गया है ठीक है ये दो लोगों को इसके इस इससे सम्मानित किया गया है दैट इज एक है आपका सिद्धार्थ सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरा है आपका प्रोफेसर राज शेटी प्रोफेसर राज शेटी ठीक है इन दोनों को ये ट्वेंटी ट्वेंटी ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इनिशियली लॉन्च हाउ मनी मंथ जो ये योजना ही इनिशियली तीन महीनों के लिए लॉन्च की गई थी अप्रैल मई और जून लेकिन बाद में नवंबर तक चली थी ठीक है ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं वो रिलीज अ बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाइन मेगा ट्रेंड ये बुक किसने रिलीज की थी देखो ये बुक अगर मैं बात करूँ लॉन्च किसने की रिलीज किसी ने की दट वाइस प्रेसिडेंट ठीक है वाइस प्रेसिडेंट जो कि कौन है वकैया नायडू एम वकैया नायडू लेकिन अगर इसके ऑथर पूछे ठीक है इस बुक का ऑथर पूछे तो ऑथर को, कौन है पता भी राम मैं यहाँ लिख देती हूँ पताभी राव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुई इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आई आई एम सी डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है संजय द्विवेदी द्विवेदी संजय द्विवेदी इनको अपॉइंट किया गया आई आई एम सी का डायरेक्टर जनरल नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूज पेपर है मुख नायक ये एक न्यूजपेप है कंप्लीट ईयर रिसेंटली स्टार्टेड बाय ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये आपका स्टार्ट किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा ठीक है भीमराव अंबेडकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनकी जयंती कब होती है ऑफ अप्रैल ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेवल राम कलावन वेवल राम कलावन वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ प्रेजिडेंस कंट्री ये किस किस कंट्री के प्रेसिडेंट प्रेजिडेंट किए गए हैं दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्साइज अजय वॉरियर ट्वेंटी अये वॉर ट्वेंटी इंडिया और किस कंट्री के बीच थी एक मिलिट्री एक्साइजी एक्साइज इंडिया और किस कंट्री के साथ हुई थी यूनाइटेड किंगडम दट इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नरेश कनडिया जिनका हाल ही में देहांत हुआ है वो एक थे किस रीजनल के किस रीजनल सिनेमा के गुजराती एक्टर थे बैडमिंटन लीग बी पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी टाइटल किस टीम ने जीता है सो यह आपका टीम है बेंगलुरु बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर पीबीएल 2020 एल ट्वेंटी जीता है बेंगलुरु रैप्टर्स uh, ने नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंपनी हैज द लास्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 ट्वेंटी पब्लिश पब्लिश फोब फोब ने पब्लिश किया है कि वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 का जो अवार्ड है टॉप लिस्ट में किसका नाम है ये आपका नाम है Samsung का दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो इज टू भी अपॉइंइटेड एज द कंट्रीज नेक्स्ट चीफ इफॉर्मेशन कमिश्नर सी आई सी चीफ इफॉर्मेशन कमिश्नर किसी चुना गया है कंट्री का सो ये आपका चुना गया है यशवर्धन कुमार सिन्हा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो वो बिकम द तो गर्ल इन द वर्ल्ड तो टू समिट माउंट एक्का गोवा यह माउंट किसने क्लाइम की है वर्ल्ड की सबसे बनी है वो दैट इज कामया कार्तिक फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पारंपरा सीरीज 2020 ट्वीट पारंपरा सीरीज ने, uh, 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस ये किसने ऑर्गेनाइज किया है ये आपका नाट्य करंगिनी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसने ऑर्गेनाइज किया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच कंट्री हैज हैजन द यू19 वर्ल्ड कप यू19 वर्ल्ड कप किसने जीता है दैट इज बी ऑप्शन बांग्लादेश बांग्लादेश ने अपना यू19 कप जीता है यू19 वर्ल्ड कप नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा

मतलब क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया ट्वेंटी ट्वेंटी टू फोर्टीन फाइव तक इसकी थीम क्या थी इसकी थीम थी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फर्स्ट ऑप्शन इज इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा

साइंटोन वर्ल्ड फर्स्ट साइंटोन बुक साइंटोन बुक है बाय बाय करोना किसने लिखी है प्रदीप श्रीवास्तव इज द करेक्ट आंसर डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरुण थर्ड इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री अरुण थर्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है किस कंट्री का यह है आपका नेपाल का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे का मनाया जाता है यह आपका मनाया जाता है सात नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज इंडिया का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज किस शहर में लगाया जा रहा है यह आपका है ऋषिकेश डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैन इज नेशनल लीगल सर्विस डे इन इंडिया नेशनल लीगल सर्विस डे का मनाया जाता है यह आपका नो no नवंबर को मनाया जाता है इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमेरिकन एस्ट्रोनॉट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट क्रिस्टिना कोच हैज रिटर्न टू अर्थ आफ्टर सक्सेसफुली स्पेंडिंग हाउ मच डेज इन द स्पेस क्या बोल रहा है कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कौन क्रिस्टा कोच वो वापस आई है धरती पर स्पेस से तो वो कितने दिन स्पेस में रही थी वो रही थी आपके थ्री टू एट तीन सौ अट्ठाईस दिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ने स्टेट यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ये फंड किसने लॉन्च किया है यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड तमिलनाडु ने लॉन्च किया डी इसका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं खगारक खदारक मिसाइल है ठीक है इसकी रेंज हमें बतानी है खदारक मिसाइल की रेंज क्या है किलोमीटर भी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेडेंट ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंटेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिपरोसी फॉर द ईयर टू थाउजेंड नाइन टू वैशनल गांधी अवार्डरोसी ऑफ द ईयर नाइटीन टू थाउजेंड नाइनटीन ये किसे दिया गया है यहां आपका दिया गया है डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु को अवार्ड दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियाज लार्जेस्ट डबल डेकर फ्लाई ओवर इंडिया का लार्जेस्ट डबल डेकर फ्लाई ओवर कहां बना है किस शहर में बना है बिहार के किस शहर में बना है छपरा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द हैज फ्लोइंगज लॉन्स्रेन प्रोटेक्शन फंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द एक्सप्लोर्टेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया चिल्ड्रन का एक्सप्लोर्टेशन रोकने के लिए इंडिया में एक फंड जारी किया गया है चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड ठीक है सो so, ये किसने लॉन्च किया है ठीक है ये किसने लॉन्च किया है ये आपका प्रिंस चार्ल्स ने लॉन्च किया था इसी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन कैबिनेट हैज हैज्रूव द सेटिंग अप द सेटिंग अप ऑफ द कंट्रीज 13th मेजर पोर्ट इन विच स्टेट कंट्री का तरहवा पोर्ट बन रहा है किस स्टेट में बन रहा है यह आपका बन रहा है महाराष्ट्र में डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं विच कंट्री एंड यूनाइटेड नेशन विल को होस्ट अ ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑन दिसंबर 20 सॉरी दिसंबर 12 ग्लोबल 12 दिसंबर को ग्लोबल क्लाइमेट समिट हो रहा है ठीक है इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी इटेड नेशन के साथ ठीक है सो so, ये आपकी करेगी ब्रिटेन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज हज्रूव नियरली सिक्स थाउजेंड करोड फॉर यू जे एच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विच विल बिल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर यू जे एच द टेबिट्री ऑफ द रिवर रावी रिवर यू जी एच क्या है ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर का कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है ठीक है मल्टी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये किस डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है जम्मू कश्मीर की ये आपकी बन रहा है काथरू कथुआ दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कथुआ में ये बन रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मिनिस्ट्री हैज संतुष्ट पोर्टल संतुष्ट पोर्टल है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इज अपडेड अपॉइंटेड एज इंडियन इनॉय टू यूनाइटेड नेशन बॉडी यूनाइटेड नेशन बॉडी में इंडियन इनोए के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है दैट इज इंद्रमणि पांडे इंद्रमणि पांडे को इंडियन इनवॉय के रूप में अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन बॉडी में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान इंडिया का पहला स्पेस मिशन था ये लॉन्च किया गया था किस साल ठीक है विल बी लॉन्च बाय ईयर ये आपका लॉन्च हुआ है टू में ठीक है इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है गगनयान दो हजार बाईस में लॉन्च होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंक हैज है सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी बॉक्स कॉल्ड आई बॉक्स आई आईबॉक्स आई में मतलब वो क्या करेंगे वो अपने आप डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे मतलब जो भी चीज है वो खुद डिलीवर करेंगे ठीक है तो ये किस बैंक ने लॉन्च किया आई बॉक्स आई सीसीआई बैंक ने लॉन्च किया है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा

पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ ये कैंपेन किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आपका ने लॉन्च किया है वे, वेरी वेरी वे, 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 इंपॉर्टेंट ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंटेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी फॉर दर टूजेंटी टू वो इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी लेप्रोसीन प्रेजिडेंट के द्वारा दिया गया किसको दिया गया डॉक्टर एन एस धर्म

क्वेश्चन क्या है थर्ड प्राइवेट ट्रेन ऑफ द आई आर सी टी इंदौर एंड एनवीसी आई आर सी टी ट्रेन है वाराणसी से ऑप्शन का जाएगा इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ट्वेंटी ट्वेंटी इंटरनेशन ट्रांसलेन डे ट्वेंटी ट्वेंटी किया गया दैट इज थर्टी सप्टेंबर को इसकी थीम क्या थी फाइंडिंग वर्ड फॉर वर्ल्ड इन क्राइसिस फाइंडिंग वर्ड्स फॉर वर्ल्ड इन क्राइसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम ठीक है ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन इज वजूम चार्ज एज चेयर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोयल इंडिया लिमिटेड कोयल इंडिया लिमिटेड का न्यू चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर से अपॉइंट किया गया दट इज प्रमोद अग्रवाल सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अग्रवाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस एवरी यियर दट इज अक्टोबर सॉरी टू अक्टूबर आंसर इसी दिन हम क्या है गांधी uh, गांधी का जब भी हुआ था बर्थ डे ऑफ गांधी तो आपको ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज बीन कॉन्फर्म विद प्रेस्टिजियस आयुर्वेदा रन 2020 इन आयुर्वेदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दट इज प्रताप चौहान सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्व हमारा विच फाइनेंशियल इंस्ट्यूशन हेज नाउन स्पेशल रिफाइनेंस फैसलिटी टू सपोर्ट दवर्मेंट वॉटर सैनिटेशन हाइजीन प्रोग्राम वाश प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है किस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया यह आपका लॉन्च किया है नार

अब मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन में 75 फाइव परसेंट से ज्यादा नंबर लाने पर किस सरकार ने अनुनदोरम दो, अनुन नो अवार्ड 2020 दिया है स्टूडेंट्स को तो ये आपका दिया है असम सरकार ने दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बीन टू थाउजें नाइनटी ट्वेंटी पैन गोरी लंकेश अवार्ड टू थाउंड का जो पैन गोरी लंकेश पुरस्कार है वो किसे दिया गया है वो आपका मिला है यूसुफ जैमिल को ये कश्मीर से है कश्मीरी है ये ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराष्ट्र हैज लॉन्च नो मास्क नो राइड कैंपेन नो मास्क नो राइड कैंपेन किस uh, डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुई है महाराष्ट्र की ठीक है महाराष्ट्र की किस डिस्ट्रिक्ट में ये कैंपेन लॉन्च की, की गई है सांगली में is, is, हो जाएगा. पे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर दर्व बाई ट्रांसपेन्ेंसी इंटरनेशनल विस्थ स्टेज द टॉप स्टेट इन टर्म ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो इन बजट फॉर्मेशन बजट के बजट में जो भी हमारी ट्रांसप्रेंसी इंटरनेशनल किया किस स्ट ने बजट में बैटर परफॉर्मेंस टॉप स्टेट कौन सी रही है वो हमारी रही है फर्स्ट awesome.

इसके चेयरमैन कौन है सबूजा ओडिशा के इनिशिएटिव है सबूजा उड़ीसा किस क्या, किस चीज के लिए इनिशिएटिव लाया गया इंक्रीज ला करने के लिए ग्रीन कवर ठीक है मतलब ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया सबूजा उड़ीसा इसके चेयरमैन कौन है इसके चेयरमैन है आपके असित त्रिपाठी असीत त्रिपाठी 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 नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू स्कीम कॉल्ड एफ इसमें एफ का मतलब क्या है ठीक है तो हमें नाम देखना पड़ेगा स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफूर्ति ध्यान से देखो याद करो क्या है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं है, e. कैंसिल करने वाली कौन सी कंट्री है न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी पैन गोरी लंकेश पुरस्कार कश्मीरी जर्नलिस्ट है ठीक है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन नसीम शाह हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू टेक अ टेस्ट हैट्रिक ही हिल्स फ्रॉम विच कंट्री देखो नसीम शाह ना सिर्फ सिक्सटीन ईयर्स के हैं इन्होंने क्या करी है इन्होंने हैट्रिक ली है टेस्ट हैट्रिक ली है इन्होंने ठीक है ये आपके पाकिस्तान से ठीक है पाकिस्तान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन एज ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सी कौन है दैट इज आपके अरविंद कृष्णा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वोन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड वर्ल्ड गेम्स ऑफ द ईयर ये किसने जीता है ये आपका जीता है रानी रामपाल पे बात करते हैं न्यू लेबर से ऑफ द यूनियन गर्व यूनियन गवर्नमेंट के न्यू लेबर सेक्रेटरी कौन है ये है आपके अपूर्वा चंद्रा दैट इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच हैजिकम द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया टू हैव एयर एयर क्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट जैसे एयरक्राफ्ट्स में आपके वैक्यूम टॉयलेट्स होते हैं वैसे ये आपका ट्रेन में आ गया तो ऐसी पहली कौन सी ट्रेन इंडिया की जिसमें एयरक्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट है तो ये है आपकी कालका दिल्ली शताब्दी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूट्रिशन एन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द आइडियल वेट ऑफ वुमेन इन इंडिया इज वुमेन वेट इन इंडिया ठीक है आइडियल वुमेन वेट बताना है इन इंडिया दट इज फिफ्टी फाइव और अगर मैन का पूछता हूं सिक्सटी फाइव ठीक है फॉर मैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री इज द पार्टनर नेशन फॉर थर्टी फोर्थ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला दो हज़ार बीस क्या बोल रहा है चौंतीसवा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला दो हज़ार बीस के लिए कौन सा देश भागीदार भागिदा, देश है ठीक है मतलब यह क्या है जो हमारा थर्टी फोर्थ इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ट्वेंटी ट्वेंटी होने वाला है वो उसमें उस किस कंट्री की पार्टनरशिप होगी उसमें आपकी होगी उज उजबेकिस्तान दट इज बी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज अनाउंस टू पुट अ ग्रेजुअल बैन ऑन वाइल्ड एनिमल्स इन सर्कस सर्कस में वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर बैन किस कंट्री में लगा दिया गया है सो य फ्रांस में है डट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बिच टू मोबाइल एप्स है वन द ई गर्वंस अवार्ड ऑफ एक्सलेंस फॉर द ईयर टू कौन सी दो मोबाइल ऐप को ई गवर्न अवार्ड फॉर ऑफ एक्सलेंस टू मिला है यह आपका मिला है सी विजिल और वाटर हेल्पलाइन ऐप दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आर्टिस्ट के सी शिव वो पास हुए रिसेंटली ये एक आर्टिस्ट थे ठीक है जिनके भी डेथ हो चुकी है वो एन इलस्ट्रेटर ऑफ विच फेमस सीरीज इन्होंने क्या फेमस सीरीज बनाई थी इन्होंने बनाया था? था विक्रम एंड बेताल थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इज सेट टू बिकम फर्स्ट वुमेन थर्ड एम्पायर नेशनल इंटरनेशनल मैच मैन इंटरनेशनल मैच में थर्ड एम्पायर फर्स्ट वुमेन थर्ड एम्पायर कौन बनी है ठीक है वो इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन थर्ड एम्पायर इन मैं इंटरनेशनल मैच ठीक है ये आपकी कौन बनी है जैकलीन विलियम जैकलीन विलियम है जो कि मैनस के जो की मैनस के जो है इंटरनेशनल मैच में यह क्या करेंगे एम्पायर बनेंगेगी वुमन बनी है जो कि थर्ड एम्पायर बनेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक अप विद एमपेज पेमेंट सिस्टम टू लॉन्च कार्डलेस कैश विद फैसिलिटी फ्रॉम एटीएम किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस पैसे निकालने की सुविधा शुरू करने के लिए एम पेज पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है सो so ये आपका कौन सा बैंक है दैट इज बैंक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज कॉन्फर्ड वि चैपियन ऑफ चेंज अवॉर्डियन चैंपियन ऑफ चेंज किसको मिला है यह आपका मिला है हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन इज दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी का मनाते हैं पांच सितंबर को ठीक है पांच सब्बर को आपका क्या बनता है हमारे यहाँ पे टीचर्स डे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडिजीनियसली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन विच कटेड इनटू द आर्मी ठीक है तो हमें बताना है क्या इंडिजीनियसली आर्टिलरी गन उन्नत तोपो जो स्वदेशी हैं जिन्हें अभी अभी आर्मी में ऐड किया गया दैट इज शरंग सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है करें इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंश्योरेंस कवर फॉर पेट पैटॉग के लिए इंश्योरेंस किस कंपनी ने लॉन्च किया है तो ये आपका कराया बजाज आलियंस ने आलियंस ने लॉन्च किया नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी कौन सी स्टेट बनी है कंट्री की पहली जिसने इंप्लीमेंट किया है एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी ठीक है ये लॉन्च किया है इंप्लीमेंट किया ऊपर दैट इज ये आपकी कौन सी बनी है उत्तराखंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्वमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर पोर्टल इन पोर्टल के लिए हुआ है और, और याद रहता है यहाँ पर जी आई टेक्टी ट्वेंटी को भी मिला है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वो एज बीटेड प्रेजेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ऑल इंडिया चेस फेडेशन की जो प्रेडेंटेंट है वो किसी इलेक्ट किया गया है दट इज अजय पटेल अजय पटेल को जो है प्रेजिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाटेड नेशन यू एज अपॉइटेड वो एज द रेजिडेंडिनेटर इन थालैंड ठीक है रेजिडेंट कॉर्डिनेटर के तौर पर थाईलैंड में किसी अपॉइंट किया गया है यूनियन

नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेस्ट है वेस्ट चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल डी ऑफ जी एस सी जी एस सी आई के डीजी कौन अपॉइंट हुए हैं दट इज मोन्ती श्रीदेवर श्रीधर मोनरेती श्रीधर अवॉर्ड हुए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो इज द ब्रांड एम्बेडर ऑफ मोबाइल प्रीमियम लीग एम पी एल के ब्रांड एम्बेसड कौन है दैट इज विराट कोहली मोबाइल एम पी एल के क्या है ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनिस्टर अनाउंस दट गर्वर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ डिसीजन टू बैन फिफ्टी नाइन चाइनीज मोबाइल फोन ऐप दट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारी जो फिफ्टी नाइन चाइनीज मोबाइल एप्लीकेश्स है उनको बैन कर दिया गया है इंडिया में ये किस मिनिस्ट्री ने किया ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड आई टी मिनिस्ट्री ने किया जिसके मिनिस्टर कौन है आपके रविशंकर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट हैजन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी ट्राफी किस स्टेट ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की ट्रॉफी जीती है दैट इज महाराष्ट्र बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी एन एल हैज ऑफिशियली लॉन्च इट इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन आई सर्विस बी ने अपनी आई सर्विस लॉन्च की है द सर्विस आर करंटली अवेलेबल इन विस् स्टेट तो ये जो सर्विस है अभी करंटली किस स्टेट में अवेलेबल है दैट इज इन केरला बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्स क्वेश्चन इज इंडिया कार्डियोलिस्ट हुई रिसली वट वॉज हर नेम पहली फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट इंडिया की जिनका हाल ही में निध हुआ है उनका नाम क्या था सो दैट इज एस पदमावती डॉक्टर एस पदमावती नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट नेक्स है कि हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया है तो टोटल तो दस हैं वेटलैंड जो रामसर साइट घोषित हुए हैं अभी सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर कॉन्ट्रीब्यून एनडीसी और ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया टीआईए एनडीसी टीआईए प्रोग्राम कितने टाइम ड्यूरेशन तक होता है कितनी इसकी लिमिट होती है तो दैट इज फॉर ईयर

को इंडक्ट किया गया आपके एयरफोर्स अंदर तो वो कौन से स्क्वाडन के अंदर इंडक्ट किया है तो इज फर्स्ट ऑप्शन गोल्डन एरो के अंदर इंडक्ट किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हैज द भुवन पंचायत जीरो फॉर बैटर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट सॉरी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे बेहतर की बेटर प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए भुवन पंचायत पॉइंट जीरो डेवलप की गई है तो इनमें से वो कौन सी है तो इनमें से आई एस आर ओबी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज री लॉन्च द स्वयं स्कीम स्वयं स्कीम स्कीम है ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने दोबारा से लॉन्च करी है आपकी असम ने किया द इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च विच ऑपरेशन टू हेल्प साइक्लोन हिट मेडागास्कर साइक्लोन से हिट मेडागास्कर से बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया तो डट इज वे ऑप्शन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेज बीन अपॉइंट से इन लोकसभा विद इफेक्ट फ्रॉम वन सेप्टेंबर लोकसभा की सेक्रेटरी किए अपॉइंट किया गया है दट इज्पाल कुमार सिंह फर्स्ट ऑप्शन इनका करेंट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द लिमिट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रगेंसी है इंक्रीज टू डैश विक्स अंडर द अप्रप्रव मेडिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगेंसी अमेडमेंट बिल ट्वेंटी ट्वेंटी पहले 20 था अभी ट्वेंटी फोर कर दिया गया थार्ड ऑप्श इज का करेंट आंसर नेक्स्ट क्वेश्वन क्वेश्चन है है, protect, tangle, क्या कह रहा है कि कौन बिल पास किया है उसमें क्या होगा प्रोटेक्शन होगी प्रिजर्वेशन होगी और रिस्टोर किया जाएगा, पुरानी विरासतों uh, को, विरासतो को जो अभी किसी भी स्टेट लो के अंडर नहीं है किसी भी नेशनल नहीं है तो ये बात आपकी किसने बोली है ये बात आपकी बोली असम सरकार ने दर इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी रिसीव द प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर ये अवार्ड का नाम है इन द फ्रेंच लैंग्वेज ठीक है ये इसका इंग्लिश वर्जन है तो हम इंग्लिश वर्जन देखते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर ये एक फ्रेंच ऑन है ये किसको मिलेगा अभी तो ये आपको मिलेगा संजना कपूर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर संजना कपूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मैंने पहले भी बोला है कि अवार्ड ऑनर एंड प्राइजेस के रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उसमें आते हैं तो आप लोगों को ही करने हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिसर्च डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च द एक्सलेट विज्ञान स्कीम किस रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक्लेट विज्ञान स्कीम को लॉन्च किया है सो so ये है आपकी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च डिपार्टमेंट ठीक है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमैन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इच पर्सन बैडमैन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? है आपकी गुलशन ग्रोवर की गुलशन ग्रोवर की ऑटोबायोग्राफी है बैडमैन नेक्स्ट क्वेश्चन है इज गोइंग टू रिलीज हिज न्यू बुक भारतीय लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र का कोर कुछ विशारी बिक्री सो so ये एक बुक का नाम है ये किसकी बुक है ऑथर कौन है इस बुक के सो दैट इज प्रियाम वेद प्रियाम प्रियाम वेद इसके जो है राइटर है ऑथर है इस बुक के ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारे स्टेट हैज डिसाइडेड टू बैन ऑल टाइप ऑफ ऑनलाइन लॉटरी स्कीम इन द स्टेट किस स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो बैन करेगी अपना जो ऑनलाइन लॉटरी स्कम जो भी है उन सबको बैन कर देगी तो ये आपका कराया है पंजाब ने पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा करा है ठीक ने। ने है नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वो इज अ ऑथर ऑफ द बुक मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया बुक के ऑथर कौन है तो ये है आपके मिलिंद सोमन मिलिंद सोमन और दूसरा दो लोगों ने ये बुक लिखी है और एक है रूपा राय रूपा राय ठीक है मिलिन सोमन और रूपा राय मेरे इन इंडिया दोनों लिखे तो दोनों इसके ऑथर होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पावर कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट फर्स्ट टू कंप्लीट ऑल विंड पावर प्रोजेक्ट अवॉर्डेड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस सी ई सी आई ठीक है एस ई सी आई से इन, इनको अवार्ड मिला है क्यों तो क्योंकि इन्होंने अपने जो सारे ओ, सारे विंड प्रोजेक्ट विंड पावर प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किए हैं ठीक है तो कौन सी पावर कंपनी है जिन, जिनको अवार्ड मिला है एस ईसीआई -E के थ्रू तो ये है आपका सिम कॉर्प कॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड ठीक है ये आपकी गुरुग्राम के अंदर है ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट हैज रिलीज ऑफ रबर किस स्टेट ने रिलीज की है एक नई वैरायटी रबर की जिसका नाम क्या है RR, RR 11429, ठीक है रेजिस्टेंट है डिजीज के और ये लो टेम्परेचर पे वर्क करती है और रजिस्टेंस प्रोवाइड करती है डिजीज से तो ये इस रबर, इस, इस रबर रबर को किस स्टेट ने लॉन्च किया है ये आपकी त्रिपुरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द डेट डज पर द डाटा रिलीज बाय द नेशनल स्टेटिकल ऑफिस एनएसओ ने जो डाटा रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो इकनोमी है उसमें उसके फर्स्ट क्वार्टर 2021 के जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें कितनी ग्राउट आई है कितनी कमी आई है दैट इज 23.9% ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज लॉन्च व्हिच ऑनलाइन पोर्टल टू मॉनिटर रोड प्रोजेक्ट रोड प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए कौन पोर्टल जारी किया गया लॉन्च किया गया है तो वो कौन सा पोर्टल है किसने रिलीज किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने तो वो है आपका गति डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज अशोर इंडिया दट इट विल फॉलो ए पॉलिसी ऑफ नो आम सप्लाई टू पाकिस्तान इंडिया को किस कंट्री ने यह आश्वासन दिया है कि वो आ, कोई भी आर्म सप्लाई नहीं करेगी पाकिस्तान को तो वो है आपका रशिया डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो हैज बीन इलेक्टेड एज अरो ब्यूरो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आई यू के ब्यूरो मेंबर किसी इलेक्ट किया गया है 2020 से तेईस तक के लिए तो वो है आपका विपुल बिहारी शाह सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बैंड ऑनलाइन गेम किस स्टेट ने ऑनलाइन गेम को बैन कर दिया है पोकर रीम बाई अमेंडिंग गेम्स एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर इसके तहत इस एक्ट के तहत किस सरकार ने बैन कर दिया ऑनलाइन गेम को जो कि पोकर और रीम जैसे गेम है तो ये किस स्टेट में बैन हुए हैं ये आपके हुए हैं आंध्र प्रदेश में बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी इज बी यूज बाई रेलवेज फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वेस्ट से एनर्जी निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है रेलवे में उसको रिसेंटली कमीशन किया गया भुवनेश्वर के अंदर तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्नोलॉजी उसका नाम है पॉली ट्रेक इज एप्शन इज का करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इस थर्टी फिफ्थ सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन एफ ए का जो पैंतीसवां सेन हुआ था रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक एपी आर एपीआरसी थर्टी फाइव के लिए वो कहां उसकी जो चेयरमैनशि है वो कहां पर हुई कहां हेल हुई थी कहाँ हुआ था प्रोग्राम वो आपका हुआ था भूटान में भी ऑप्शन इज का करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज

एक्ट्रा ऑर्डिनेटी मीटिंग के किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी मतलब जो ये मीटिंग्स होंगी जी इसकी जी ट्वेंटी फॉर मिनिस्टर की ये किस कंट्री में होगी कौन कंट्रीज को host तो ये साउथ अरेबिया इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टेबल ऑफ हिस स्टेट हैज हैजेज द प्राइज द फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे ट्वेंटी ट्वेंटी किस uh, किस झांकी को मिला था दो हज़ार बीस में जो ये येबिक्स प्राइज होता है ये आपकी बेस्ट झांकी को दिया जाता है तो ये किसको मिला था इसका फर्स्ट प्राइज या आपकी असम की झांकी को मिला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान नेक्स्ट क्वेश्चन इज

इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन नवंबर इलेवन नेशनल एजुकेशन डे को मनाया जाता है ग्यारह नवंबर को ठीक है इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनवर्सिटी ऑफ विच एजुकेशन मिनिस्टर ये जो हम ग्यारह नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं ये हम किसकी बर्थ एनवर्सरी को मनाते हैं किस एजुकेशन मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्टर की बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं सो दैट इज मौलाना अब्बुल कलाम आजादा दट इसवर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वो इज ऑर्थर ऑफ द बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम डिस्कवरिंग हेरिटेज ऑफ असम इस बुक के ऑर्थर कौन है पदमा बोरा बोरा पानी बोरा दट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विज लोन द सेकंड एडिशन ऑफ इट्स 10 हफ्ते 10 बजे टेन मिनट और टेन वीक्स टेन क्लॉक ऑन टेन मिनट्स कैंपेन अगेंस्ट डेंगू एंड अदर वैक्टर बॉन डिजीज किस स्टेट या यूटी ने दस हफ्ते दस बजे दस मिनट अभियान की शुरुआत करी थी डेंगू या फिर अदर वैक्टर बॉन डिजीज से बचाव के लिए तो यह आपकी करी थी ने डी ऑप्शन इज विस्थ स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च यूट्यूब चैनल डिस्टर्वो फॉर ई लर्निंग इन हर एजुकेशन ठीक है तो ये आपका जो डिस्टर्व यूट्यूब चैनल प्रोग्राम है ये गोवा ने करा था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन है वैन वॉजने डे टू प्रोटेक्टेक् एजुकेशन फ्रॉम अटैक इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्राम अटैक ये डे हम कब सेब्रेट करते हैं नाइन सप्बर को ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसकी थीम क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी की प्रोटेक्ट एजुकेशन सेवा जनरेक्ट एजुकेशन सेवा जनरेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं है, हमारा वो है बीन अपॉइटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बी के डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया है तो ये है आपके एम ए गणपति एम ए गणपति तो फर्स्ट ऑप्शन इज का करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री विल गिव विल बी गेस्ट ऑफ ऑनर एट न्यू डेली वर्ल्ड बुक अफेयर 2020। न्यू डेली वर्ल्ड बुक फेयर 2020 में गेस्ट ऑनर के तौर पर के कौन सी कंट्री शामिल हो रही है ठीक है डेली के जो ये वर्ल्ड बुक फेय हो रहा है ट्वेंटी में तो यहाँ पर कौन सी कंट्री के गेस्ट ऑनर आ रही है तो दट इज फ्रांस भी ऑप्शन का करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द नेम ऑफ द एंटी रेडिएशन मिसाइल वट इ ने एंटी रेडियेशन मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड डीआरआडीओ जो डीआरआडिय ने रीटली टेस्ट किया दट इ रुद्राम वन रुद्राम वन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर कितने पब्लिक सेक्टर है इंडिया के जिन्होंने साइन किया है पीएस ठीक है पी साइन किया है किसके साथ साइन किया है आई एस के साथ साइन किया है ठीक है एज अ कारपोरेशन पार्टनर तो टोटल ये फाइव है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सितवे पोर्ट विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री सितवे पोर्ट हाल ही में जो खबरों में था वो किस देश में स्थित है डट इज इन मानमार सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट हैज है शिव भोजन स्कीम शिव भोजन स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च करी तो ये आपकी लॉन्च करी थी महाराष्ट्र ने सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विल कंस्ट्रक्ट फाइव एनिमल ब्रिजेस फॉर सेफ पैसेज ऑफ वाइल्ड लाइफ एट विच एक्सप्रेस जो इंडिया है वो पांच एनिमल ब्रिज बना रहा है ठीक है सेफ पैसेज के लिए किसके वाइल्ड लाइफ के सेफ पैसेज के लिए किस एक्सप्रेस वे पे तो ये जो आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है मुंबई टू डेली ठीक है बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल प्रेजिडेंट ऑफ द वुमेंस इंडिया इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डब्लू की जो नेशनल प्रेजिडेंट है वो कौन है वो है आपकी कविता लखानी कविता लखानी फर्स्ट ऑप्शन इस द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्री हैज रीेंटली अप्रूव द प्रपोजल टू बैन कैटल स्लॉटर इन द कंट्री कैटल स्लॉटर यानी कि पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया है यह किस कंट्री में ऐसा किया गया है यह किया गया श्रीलंका में फर्थ ऑप्शन इज का करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुल मकई इज अ फिल्म बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ विश पर्सन गुल मकई जो है यह किसी लाइफ में बेड फिल्म है दट इज मलाल यूसुफ रजी बी ऑप्शन इस द करेट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एम डी और सीई ओ किसी अपॉइंट किया गया है इंडियन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ठीक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एम डी और सीई ओ किसे बोला गया है दट इज जे वेंकटरम फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद स्पेस एजेंसी हैज दोनों दर्थ थ्रॉफ ग्रूमन सिग्नेस कार्गो स्पेसक्राफ्ट नेम एस एसलना चावला हमने ये डिस्कस किया था प्रीवीस क्वेश्चन में भी तो आप लोग बताओगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है तो कमेंट करना और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा तो गाइस इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है इस वीडियो में हमने टोटल 200 हंड्रेड्रेड्रेड्रेड क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और 200 हंड्रेड्रेड्रेड्रेड क्वेश्चन हमने पार्ट वन में डिस्कस करे थे यानी कि टोटल हमने 400 हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं करंट अफेयर के और 100 क्वेश्चन हंड्रेड क्षेत्र पॉलिटी के ये जो सारे क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो जो दो मैंने कराई है इनके लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जिस बच्चे ने नहीं देखे वो जाकर देख लेना और गाइस आप लोग इसे जितना हो सके प्लीज़ इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए ठीक है लाइक कीजिए क्योंकि वीडियो पर व्यू और लाइक ज्यादा आएंगे तो मुझे भी क्वेश्चन की क्वालिटी इंप्रूव करने में थोड़ा सा अच्छा फील होगा ठीक है मैं भी और थोड़ा ध्यान इन वीडियो को इंप्रूव करने की तरफ ठीक है सो वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में आप लोग जय हिंद जरूर लिखना